किसके घर में बच्चे इतनी देर तक सोते हैं, प्लीज कमेंट में बताइएगा। ये देखिए मेरे बच्चे दोनों अभी तक सोए हुए हैं। टाइम देखिए, ये देखिए पूरे 9 बज गए हैं, क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन ये दोनों अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। मशीन में कपड़े डाल देते हैं। ये देखिए, ये 1 घंटे 36 मिनट के लिए काम करेगी। चलिए अब दूसरा काम कर लेते हैं हम लोग, इसे कवर कर देते हैं। ये है मेरा बेटा जो अब उठकर फ्रेश होकर क्लास ज्वाइन कर रहा है। ये देखिए अभी लिंक आया नहीं है। हेलो फ्रेंड, देखिए मैं नहा धो के तैयार हूँ और मैं जा रही हूँ अब लंच की तैयारी करने। आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया है, तो चलिए आज बनाते हैं लंच में मटर पनीर। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें कुछ अदरक डाल देंगे कटी हुई, कुछ खड़े मसाले और तेज पत्ता, 2 कटी हुई प्याजें, और प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये सबका पेस्ट बना लेंगे। कस्तूरी मेथी डाल देंगे और आपके पास जो मसाला आप पसंद करते हैं वो डाल दीजिए। मेरे पास जो घर में बने मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं, और पेस्ट और मसाले दोनों मिक्स करके मैंने ब्राउन होने तक भून लिया है। ढक देंगे, थोड़ा अच्छे से तेल छोड़ने तक पका लेंगे इसे। हरी मटर डाल देंगे, ढककर टमाटर गलने तक पका लेंगे। इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। जब तक टमाटर गलते हैं तब तक चला चला के ढक ढक के अच्छे से पका लेंगे। जब तक ये मटर पनीर बन रही है आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरा न्यू ब्लॉग मिल सके। स्टीम इतनी ज़्यादा है कि पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये हो गया है लगभग, अब इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के बॉईल होने तक पकाएंगे। इधर मैंने पनीर काट लिए हैं और ये देखिए अच्छे से पक गए हैं पनीर, और मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। हरा धनिया डाल देंगे। चावल मैंने पहले ही बना लिया था। अब मिलते हैं लंच के बाद, ठीक है? आप वॉशिंग मशीन का काम खत्म हो गया, कपड़े निकाल लेते हैं और छत पे लेके चलते हैं सुखाने के लिए। आज बहुत अच्छी धूप थी इसलिए मैंने कंबल सुबह ही सुखा दिया था। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए नीचे चलते हैं। आज मैं साफ करने जा रही हूँ अपने तांबे की बोतलों को। ये देखिए, इसे मैं पीतांबरे से धोती हूँ। ये देखिए, चलिए साफ करते हैं। मैंने पानी की बोतलों को ना क्लीन कर लिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं ये। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।